छात्रों, आज हम जिस व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है लिंग। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरणों के द्वारा हम पता करेंगे कि लिंग यानी क्या। देखिए यहाँ पर गाय घास चर रही है, तो हमने वाक्य में देखिए गाय घास चर रही है। और यहाँ पर उसी के सामने एक वाक्य है, वह है बैल घूम रहा है। गाय घास चर रही है, बैल घूम रहा है। यहाँ पर दो जानवरों के नाम आए हैं, यहाँ पर एक गाय और यहाँ पर है बैल। तो यहाँ पर देखिए गाय घास चर रही है, यहाँ पर क्रिया पर ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि यह गाय यह शब्द है वह स्त्रीलिंग में आता है, मतलब स्त्री जाति का बोध करा रही है। और यहाँ पर देखिए बैल घूम रहा है, घूम रहा है, इससे पता चलता है कि बैल यह शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है। और यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण, बहन कपड़े सील रही है, वह कपड़े सील रही है। और यहाँ पर वाक्य है भाई क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर बहन शब्द है और यहाँ पर भाई शब्द है, वो क्या है, वह स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है। यहाँ पर देखिए यह स्त्री जाति का बोध करा रही है क्योंकि यहाँ पर सील रही है, ऐसे वाक्य में क्रिया दर्शा रही है कि सील रही है, बहर कपड़े सील रही है, इसलिए यह शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंग में जाता है, स्त्री जाति का बोध कराता है। और यहाँ पर भाई क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए भाई यह शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है। यहाँ पर देखिए गुड़िया टूट गई, गुड़िया टूट गई, और यहाँ पर बूटा रूठ गया, लगता है ना इसमें गुड़िया यह स्त्री जाति का बोध कराती है और यहाँ पर बूटा पुरुष जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पर लिंग की परिभाषा होती है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। लिंग किसे कहते हैं, जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराती है या पुरुष जाति का बोध कराता है उसी को लिंग कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपको अपने नोटबुक में लिख कर लेनी है। छात्र देखो लिंग के दो भेद होते हैं, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमें कहा जाता है कि एक शब्द दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि लिंग पहचान या लिंग बताइए, ऐसे प्रश्न होता है, लिंग बताइए ऐसे प्रश्न होता है, तो हमें उसके पहले पता होना चाहिए कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका हमें पता होना चाहिए। अगर वो पता हो तो हम लिंग बदल सकते हैं या फिर वो लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम पुल्लिंग की परिभाषा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द उसी को पुल्लिंग कहा जाता है। तो इसमें शब्द आते हैं लड़का, बूढ़ा, रोहर, नौकर, छात्र। देखिए लड़का गा रहा है, लड़का गा रहा है, लड़का अच्छा है, अच्छा गा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि वो शब्द पुल्लिंग में आता है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा अच्छा है, अच्छा विशेषण है, अच्छा, वो लगातार भी हम इसको पहचान सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग है। देखो घोड़ा अच्छा है, रोहर अच्छा है, रोहर अच्छे है क्या, नहीं। नौकर, नौकर खाना बना रहा है, नौकर खाना बना रहा है, यहाँ पर देखो चार शब्द है। तो ये सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं, सभी शब्द पुल्लिंग में आते हैं। देखो इनको एक बार ध्यान पूर्वक देखिए एक तरफ, और देखिए दूसरा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद बताए हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में देखिए स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द यानी स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें लड़का था, पुल्लिंग में जो लड़का शब्द था वो स्त्रीलिंग में क्या हुआ, लड़की, लड़की गा रही है। अब यहाँ पर ध्यान दो, लड़का गा रहा है और यहाँ पर है लड़की गा रही है, क्रिया बदल गई, तो इसलिए यह शब्द लड़की स्त्रीलिंग में है, तो इसको स्त्रीलिंग कहा जाता है। घोड़ा का बना घोड़ी, रोहर यहाँ पर वह लड़के का नाम है और यहाँ मीना लड़की का नाम है, तो ये स्त्रीलिंग में चला जाएगा। नौकरान
अष्टा या पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। पुल्लिंग के रोहन ये लड़के का नाम है इसलिए पुल्लिंग में जाता है और मीता यह लड़की का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग में जाता है। जब लिंग बदलने के लिए कहा जाएगा तब लड़का का लड़की होगा, घोड़ा का घोड़े होगा, नौकर का नौकरानी होगा, छात्र का छात्रा होगा, तो यहाँ पर रोहन का मीना नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रख लें तो आप यहाँ पर लिंग बदलेंगे कि रोहन का मीना होता है नहीं। देखिए एक बार लड़की, घोड़ी, मीना, नौकरानी और छात्रा ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और इसके उदाहरण देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर इन शब्दों की जोड़ियाँ दी गई है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके दिया है। तो यहाँ पर देखो पहला शब्द है चाचा, चाची के लिए स्त्रीलिंग शब्द है, चाचा के लिए देखो यहाँ पर पहला शब्द है चाचा और चाचा स्त्रीलिंग शब्द है चाची। यहाँ पर दादा पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग शब्द है। चूहा चूहिया, कीड़ा चिड़िया, मोर मोरनी। देखिए इन शब्दों को पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। चाचा कमरे में बैठे हैं, चाचा चाचा जी कमरे में बैठे हैं, चाची जी स्वयंपाक कर रही हैं, चाची जी स्वयंपाक कर रही हैं, या फिर चाची खाना बना रही हैं। तो इसमें चाचा जी कमरे में बैठे हैं और यहाँ पर चाची खाना बना रही हैं, चाची जी खाना बना रही हैं। इसमें पर क्या है, बना नहीं है, अंदर बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं। तो इससे पुरुष जाति का बोध होता है और इसमें स्त्री जाति का बोध होता है। दादा आ गए, दादी आ गई। चूहा भाग रहा है, चूहा भाग रहा है, चूहिया भाग रही है। देखो यहाँ पर क्या है, चूहा भाग रहा है, चूहिया भाग रही है। तो इसी यह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। कीड़ा, कीड़ा पेड़ पर बैठा है, कीड़ा पेड़ पर बैठा है, और यहाँ पर चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया यह स्त्रीलिंग शब्द है, कीड़ा पुल्लिंग शब्द है। मोर मोरनी, मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। देखो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं। छठा शब्द है बेटा बिटिया, बेटा बिटिया, बाल बाला, लड़के के लिए बाल बोला जाता है और लड़की के लिए बाला शब्द है। शेर शेरनी, शेर शेरनी, शिष्य शिष्या, देखो ना छात्र छात्रा ऐसे ही शिष्य शिष्या। सूत सूता, लड़के के लिए सूत और लड़की के लिए सूता शब्द है। इनको नाम देखिए और अपने नोटबुक में इसे लिखिए। देखो इन शब्दों में ग्यारहवां शब्द है सुरा सुनारी, माली माली, खेत में बाग में काम करने वाला कौन होता है, माली, और अगर स्त्री हो तो माली। पड़ोसी पड़ोसी, धोबी धोबी, कपड़े धोने वाला धोबी, और स्त्री हो तो कपड़े धो रही है तो धोबी। पंडित पंडिताय, देखो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है पंडित और इसमें आई लगने से पंडिताई शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए ठाकुर, ठाकुर शब्द है पुल्लिंग में आता है और ठाकुर आई यहाँ पर जो आखिरी बात करती है वो गई और सिर्फ अगर सुन रहा है इसमें और आई लगा है, ठाकुर आई शब्द बनता है, ठाकुर आई। यहाँ पर देखो स्टेट सेठानी, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, धनवा धनवती। देखो कुछ शब्दों को धनवा, एक तो यहाँ पर वती लगाने से वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है, धनवा धनवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, ऐसे कुछ शब्दों को वती जोड़ने से वो शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द स्त्रीलिंग ही रहते हैं, ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं। इनको नर और मादा, नर यानी पुल्लिंग और मादा यानी स्त्रीलिंग, ऐसे जोड़ने से वो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनते हैं। इन शब्दों को फिर से एक बार ध्यानपूर्वक देखिए और इन शब्दों को आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।